करने वालों ने क्या कहना क्या? कि चंदा चमके चम चम चीखे जो बंदा कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चमके चीखे जो बंदा चीखी जाते चीनी चटोरी चीखो। दे रही हूं। रावण के दरबार में अंगद महाराज जी पहुंच गए। कहा रावण अब भी समय है, माता जानकी को वापस कर दो। अब भी समय है, समय है। अगर आप वापस कर देंगे तो निश्चित मानिए प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर देंगे। अंगद ने जब बार बार ये कहा तो रावण ने कहा अगर हम नहीं वापस करें तो क्या करेंगे राम जी? क्या बात है, क्या करेंगे राम आपके? कहा राम आपका वध भी करेंगे और अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपकी कुल की कीर्ति में दाग लगेगा, कीर्ति में दाग लगेगा। कहेंगे लोग आपको नारी चोर, क्योंकि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, आपको लोग नारी चोर कहेंगे। रावण ने कहा अच्छा मुझे नारी चोर कहेंगे, लोग मुझे नारी चोर कहेंगे, तो फिर बताओ तुम्हारे राम को क्या कहेंगे? क्या बात? अंगद महाराज परेशान हैं, मैं क्या बताऊं कि राम को क्या कहेंगे? कहा सुनो मैं बता रहा हूं राम को क्या कहेंगे लोग, सुनिएगा भाभी जी। कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है वह टूटी पे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है वन टू थ्री फोर, भाइयों में है राम एवं भाई फोर। आ कैसे कैसे टूटे वाली सुग्रीव कि टूटे वाली सुग्रीव जिसमें सुग्रीव फोड़ा, उठी में हम तीन भाई जिसमें विभीषण को फोड़ा, विभीषण को फोड़ लिया। क्या बात है? तो टूटे वाली सुग्रीव जिसमें सुग्रीव फोड़ा, हम तीन भाई जिसमें विभीषण को फोड़ा। और इतना ही नहीं, हम तीन भाई जिसमें विभीषण को फोड़ा, तो फिर भाइयों में खुद फूटे तो लक्ष्मण को लाए थे। वनवास तो केवल राम को हुआ था, कहना क्या कि फिर भाइयों में खुद फूटे तो लक्ष्मण को लाए थे। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो गए दूसरी पे। फिर भाइयों में है राम हमारे सम्मानीय भैया श्रीवास्तव जी मैं कठिन दे दिया ताकि भाभी ऐसे नहीं तो ऐसे फंस जाए, परेशान गाय हो तो वैसे भी फंसी। के चंदा चमके चम चम जी के चौपन नाचो। ये बात है भाई, चंदा चमके चम चम जी के चौपन नाचो। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो। तो कितना मुश्किल ये गाना जरा हमको दिखाना। चंदा चमके चीटी चाटे चीखे चौकन नाचो। तो चंदा चमके चम चम चीखे चौकन नाचो। चीटी चाटे चीनी चटोरी हम तो तब भी पढ़कर गा रहे हैं, नीचे वाले जब चीटी की तरह चाट रहे हैं। बढ़िया का टीस दिया है आपने, जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया नीरज। बाकी ऊपर क्या गाया आपने उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आपने ये लाइन बोली कि दादा की तरह नागिन धुन को बजाना मुश्किल है, बस यही एक लाइन दिल को मन को अच्छी लगती है। बाकी ऊपर जो था वो तो श्री सत्यनारायण का था भी, बस बढ़िया था। चंदा चमके चीनी चाटे चीखे चौकन नाचो। तो चंदा चमके चम चम चीखे चौकन नाचो। चीटी चाटे चीनी चटोरी कट्टी बढ़िया गाया है आपने। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है 1 2 3 4। और भाइयों में राम एवं भाई मोर। ये एक आपके गीत में एक कम हुआ, यानी तोड़ तोड़ चल रहा है। वो उनको छोड़ छोड़ रहे, वहाँ छोड़ छोड़ चल रहा है। प्रयास कर रही हूँ अगर आपको 4 भाई मिले तो मेरे जवाब में 4 बहने आ जाए। और ये 4 बहने कहाँ? मांडवी शुद्ध कीर्ति और मिला सीता बहने को। इतना कठिन कट्टीस गाया है लेकिन देखो कैसे निपटा रही है, और गिनती भी ध्यान रखिए। अगर उधर 4 भाई तो इधर 4 बहने। मांडवी शुद्ध कीर्ति उर्मिला और सीता। मांडवी शुद्ध कीर्ति उर्मिला सीता बहने पर और 4 बहनों में सीता जी निकली धरती फोर। धन्यवाद, समझिए मेरा जवाब हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। मांडवी सुत की उर्मिला सीता बहने फोर, 4 बहनों में सीता जी निकली धरती फोर। राम ने धनुहा तोड़ा, देखिए भगवान श्री राम जिन्होंने अकेले धनुआ तोड़ा, एक धनुष के टूटने से 3 रिश्ते और जुड़ रहे हैं। ये भैया कोरस देखो बंद हो रहा है, भैया क्या हो रहा है देख लो इसको। लीड बीट बदल दीजिए, अगर इधर से कोई दिक्कत है तो इधर से ना कर ला कर लगा दीजिए। राम ने धनुहा तोड़ा और सीता से रिश्ता जोड़ा। इधर बाहर से लगा दीजिए। सीता से रिश्ता जोड़ा, 3 बहने बनी दुल्हन तो बने संग में 3 जोड़ा। 3 बहने बनी तो बने संग में 3 जोड़ा। देखिए वही सब मिल रहे हैं। आपके गीत में तोड़ छोड़ चल रहा है, यहाँ जोड़ चल रहा है। लेकिन तो पुत्रों को छोड़ के सीता समा गई है धरती फोर। 2 पुत्र लवकुश खड़े हैं, भगवान श्री राम लेने आए लेकिन सीता जी ने मना कर दिया। सीता ने कहा हे राम, आप वही राम हैं जिन्होंने मुझ जैसी सीता के सतीत्व पर दोष लगाया। आज आप मुझे लेने आए हैं लेकिन मैं अयोध्या में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी, इसलिए मैं अब नहीं जा सकती। और सीता ने धरती माता को आह्वान किया, माँ को आमंत्रित किया, कहा है धरती माँ आइए और आकर कुछ को अपने आप में समा लीजिए। तो मेरी पंक्ति कह रही है 3 बहने बनी दुल्हन बना संग में 3 जोड़ा, तो पुत्रों को छोड़ के सीता समा गई है धरती फोर। तो मांडवी सुत की उर्मिला सीता बहने फोर, 4 बहनों में सीता जी निकली धरती फोर। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रयास था बिल्कुल 2 मिनट में आपकी बात पूरी हो जाए। हालांकि 2 ही लाइनें पूरी थी, उसको पूरा कर दिया है मैंने। कलाकार बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया जवाब देर तक गाए, फिर इतना बड़ा सवाल होता है। और चूंकि ये कार्यक्रम इस समय घड़ी में 5 बज रहा है और अच्छे कलाकार यहाँ मौजूद हैं जिनको हम लोग बहुत, आप समझ लीजिए ज्योति कमल का जब विवाह नहीं हुआ था तब मैंने देखा था ज्योति को, उसके बाद से आज मेरी मुलाकात हो रही है। तो ना मिलने का मौका मिला ना सुनने का मौका मिला, तो ये बहुत बड़ा अवसर है कि अच्छा। और हमारे ज्ञान भैया भी बैठे हैं, सब लोग अच्छे कलाकार। थोड़ा सबको आप सुन पाए, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल आज का ही नहीं है मेरा, 26 तारीख तक बराबर कार्यक्रम लगे हैं। आज भी बाबूलाल भैया से गाना है मुझे, कल भी गाना उन्हीं से, लगातार अनवरत कार्यक्रम चल भी रहे हैं। हाँ, और बगल में कल उन्नाव में कार्यक्रम है, कांटी में, वहाँ भी आप आमंत्रित हैं, जो भैया लोग आ सकते हैं। वहाँ भी विशाल जवाबी कीर्तन कांटी उन्नाव, तो उसमें दो पार्टियां हैं, एक पार्टी यही, दूसरी है बाबूलाल, दूसरी नहीं दूसरे। पहले बच्चियां थोड़ा सा